told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. हेलो दोस्तों, तो मैं अपने अपार्टमेंट से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ फ्यूचर म्यूजियम, जो कि मेरे अपार्टमेंट से काफ़ी नज़दीक था। हार्डली 5-7 मिनट की वॉक है और एक ही मेट्रो स्टेशन पड़ता था। सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, वॉक का मज़ा लिया जाए, साथ में आपको दिखाई जाए यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की रोड्स, जो कि यहाँ पर वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया आती है। किसी सपनों के शहर जैसा प्रतीत होता है। इसकी खूबसूरती अपने आप में अलग है। एक एक बिल्डिंग ऐसी है जिसको आप देखते रहो तो नज़र हटाने का जी ही नहीं चाहता। कल का दिन काफ़ी थकावट भरा रहा, क्योंकि 2 बार गया मार्केट गर्मी में इतनी, और कल रात को जाके मुझे कुछ गैजेट्स मिल पाए, उनमें से एक OM5 जो DJI की नई गिम्बल है वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो रोड का माइक लिया है मैंने, उसको समझने का रात को मुझे पूरा मौका नहीं मिला, तो अभी मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो अब आपने बताना है कि क्वालिटी मेरी कैसी आ रही है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो ये मेट्रो का स्टॉपेज है अमीरात टावर्स, इसके बिल्कुल साथ में ये फ्यूचर म्यूजियम जो आप देख पा रहे हो। तो जो सामने मेट्रो ओवरब्रिज दिखा, उससे मैं रोड क्रॉस करूंगा म्यूजियम तक जाने के लिए। तो बॉस, ये है अपना लक। आज का सेशन ओवर हो चुका है, सारी टिकट बिक चुकी हैं, अब इनके पास टिकट नहीं। तो गाइज, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका मुंह देखकर मैंने दुबई की टिकट्स बुक करी थी। जिस भी काम को निकल जाओ वही नहीं होता। अब यहाँ पर 26 तारीख तक सब टिकट्स सोल्ड है, मैं म्यूजियम नहीं देख पा रहा। बहुत ही बैड लक के साथ इस बार सामना हुआ है। चलो गाइस, बाहर से तो देखो प्लीज। अरे दोस्त, जितनी मर्जी छींके मार ले यार, अब तो मेरा लक बैड हो ही चुका है। वैसे गलती मेरी ही है और किसी की नहीं। मैंने ध्यान से देखा नहीं कि टिकट मुझे एडवांस बुक करनी चाहिए थी। मैंने कोई वीडियो देखा और उस पर यकीन कर लिया कि हाँ जी, वेंडिंग मशीन से टिकट्स बुक हो जाती हैं। वहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी वाले ने बताया गेट पर कि वहाँ बोर्ड लगा रखा है, टिकट्स जो हैं सोल्ड हैं अगले आने वाले 8 दिन तक। तो जो है वेंडिंग मशीन उनकी काम नहीं कर रही है, मेरी गलती है। मुझे एडवांस में इंडिया से ही बुक करा कर निकलना चाहिए था। इतनी प्यारी चीज़ मिस कर रहा हूँ, चाहे मुझे इसके लिए दोबारा आना पड़े। लाजवाब कलाकृति है ये वर्ल्ड की। इसके अंदर इन्होंने फ्यूचर साइंस से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रखी हैं जो हम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का, इवन मैं कहूँगा दुबई की हर बिल्डिंग का। पता नहीं किस विज़न से ये चीज़ों को देखते हैं और बनाकर पेश करते हैं। इनकी बनाई हुई हर चीज़, हर आर्किटेक्ट ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में सराहा जा सके। ये होती है एक डिफरेंट विज़न की बात, जो कि सिर्फ दुबई वालों के अंदर है। खैर, मैं अकेला ऐसा नहीं जिसको टिकट नहीं मिली। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ मायूसी मिली टिकट ना मिलने की वजह से, तो वो यहाँ पर फोटोग्राफी करके अपना मन बहला लेते हैं। कम से कम यहाँ की यादें तो अपने साथ समेट कर ले जाते हैं। तो अब मैंने प्लान किया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दुबई फ्रेम, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, जिसके लिए मुझे मेट्रो लेनी पड़ेगी। बिकॉज़ यार आज 3rd डे है, 1st डे मेरा यहाँ फ्लाइट रात को पहुँची तो वो दिन चला गया, 2nd डे में मैं गैजेट्स के लिए भटकता रहा, और 3rd डे मैं म्यूजियम से डिसअपॉइंटेड हुआ। तो अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ म्यूजियम की तरफ। तो मिलता हूँ फिर वहाँ म्यूजियम के पास पहुँच के आपको। तो मैं
मैं पहुंच गया हूँ दुबई फ्रेम के पास, और यहाँ पर मैं एंट्रेंस गेट देखता हूँ कहाँ पर है, और वहाँ से टिकट वगैरह सब लूँगा। तो फिलहाल थोड़ा सा वॉक है गेट तक जाने के लिए। तो ग्रीनरी देखो सर, यहाँ पर दुनिया के गर्म देशों में गिनती आती है इसकी, और फिर भी देखो कैसे मेंटेन कर रखा है पेड़ पौधों को, उन्हें इस ग्रीनरी का मतलब पता है, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं फ्यूचर में सब पता है, कितना संभाल के रखा हुआ है उन्होंने नेचर को। वो सड़क देखो जी, एक कागज़ का टुकड़ा भी आपको पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, जबकि पास में हाईवे जा रहा है, ठीक है, ग्रास लगी हुई है, और वॉकिंग कितनी खूबसूरत बना रखी है इन्होंने। तो चलते हैं मेन गेट पे, और वहाँ से फिर टिकट वगैरह लेकर आपको बताते हैं क्या कितने की टिकट थी। और मैं पहुँच गया उस समय दुबई फ्रेम के गेट पे, यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ है जहाँ इन्होंने लिखा है कि 3,000 दिरहम फाइन लगेगा जो पर्सन यहाँ पर नहीं पहनेगा मास्क। तो प्लीज़ मास्क पहनिए यहाँ पर आकर। और ये जो आपको बहुत प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्रेम है काफ़ी ग्रीन इलाके में बना हुआ, बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर आप फ्रेम देखने से पहले भी चाहें तो बैठ सकते हैं, और फ्रेम देखने के बाद भी बैठ सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से, और यहाँ पर टिकट काउंटर्स पर अपने टिकट्स ले रहे हैं ताकि वे आगे फ्रेम को देख सकें, और प्रोसीड करेंगे आगे फ्रेम की तरफ। तो ये है जी टिकट काउंटर, यहाँ से सब आप टिकट परचेज कर सकते हैं। लो जी, टिकट ले लिए मैंने, जो कि 50 दिरहम्स की है, 2.5 से ऊपर इनका कोई टैक्स है, तो अपने को टिकट पड़ी है 52.50 की। बहुत अच्छे फूलों से डेकोरेट किया गया, नेचुरल फूलों से। विजन तो इनके बराबर कोई रखी नहीं सर। एंट्रेंस पर ये मूर्ति है शेख बिन राशिद की, जिनको फादर ऑफ दुबई बोला जाता है, और इन्होंने 32 साल राज किया है दुबई पर, यूएई पर। और ये फ्रेम की स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ विजुअल्स के ज़रिए दिखाया है कि दुबई स्टार्टिंग में कैसा था, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था दूर तक, और कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं था। इतनी जो इन लोगों ने तरक्की की है वो सिर्फ अपने दम पर की है। आप देख सकते हो इसको, ये पुराने दुबई को दिखा रहे हैं, अभी आगे दिखाएंगे आपको वहाँ पर कैसे मिट्टी के बर्तन बना करते थे, कैसे ताले बना करते थे, कैसे बहुत सी पुरानी चीज़ें दिखाएंगे, कैसे सिलाई कढ़ाई होती थी। इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिकली विजुअल से आपको दिखाया है कि ये दुबई कैसा हुआ करता था और आज कहाँ है दुबई। और मेरे को
तो आपने देखा कैसा था पुराना दुबई, कितनी रेत ही रेत, कहाँ पर अब हट के उस रेत को हटा के कितनी बहुमंजिला इमारतें, कैसे एक शानदार दुनिया खड़ी कर दी इन्होंने अपनी मेहनत से। और बहुत मेहनत करी इन लोगों ने इस जो आपके सपनों के दुनिया को बनाने के लिए, इस दुबई को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। ये इनके जो पहले सी साइड में जो इनके इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, जो रस्सा वगैरह, ये यहाँ पर वो दिखाया गया है। के जरिए आ चुके हैं फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत से टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ऊपर से दुबई फ्रेम से आनंद ले रहे हैं पूरे दुबई के व्यू का। और यहाँ पर एक बीच में जो सेंटर में फ्रेम में एक ग्लास की पट्टी बनाई गई है जिसके ऊपर चलने से ऐसा कोई हॉलीवुड की पिक्चर का सीन याद आता है कि जैसे ग्लास अभी फट जाएगा और हम इतने हजारों फुट नीचे जाकर गिरेंगे। यहाँ पर चलते हुए डर लगता है बट ये बहुत सेफ़ है, बहुत मोटी पट्टी है और इसको डबल बनाया गया है। नीचे भी एक पट्टी है बहुत मोटी और बहुत ही लोग इस पे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और अल्टीमेट व्यू है यहाँ से, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो दुबई का पूरा सीन नज़र आता है, दुबई का बसा हुआ हर घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचाई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे जो गेट था वो भी नज़र आ रहा है जहाँ से मैंने एंट्रेंस ली थी। और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जो हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं, हर तरह से इंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये देखो जी, पूरा दुबई का व्यू यहाँ से आपको दिख रहा है, कितना खूबसूरत है दुबई। आप देख पा रहे हो लगभग हर घर का कलर एक जैसा है। और फ्रेम में लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो जी रोड, फ्रेम से रोड का व्यू देखिए, कैसे कारें बिल्कुल छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही हैं कारें। और सारी गलियां वगैरह भी साफ दिख रही हैं। कितना सिस्टमैटिक चल रहा है सब। और वो देखो जी, एक तरफ यहाँ पर ग्रीनरी है बहुत सारी फ्रेम के, और वहां पर भी इन्होंने द फादर ऑफ दुबई का कुछ पोर्ट्रेट सा बना रखा है रोड किनारे। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यस, कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। अगर आप वहाँ नीचे से देखोगे तो आपको शायद नज़र भी ना आए, लेकिन ये इतनी ऊंचाई से देखने के लिए बनाया गया है ताकि इसकी खूबसूरती पता लग सके। जितनी खूबसूरत एंट्रेंस थी इस फ्रेम की, उतना ही खूबसूरत एग्जिट है। ये गोल्डन कलाकृति जो दूर से देखने पे इतनी खूबसूरत थी, इसके पास से गुजरना उतना ही अच्छा लग रहा है। उस गोल्डन फ्रेम के पास से गुजरना बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट थ्रू मेट्रो, एंड फिर देखते हैं, दुबई मॉल जाता हूँ और आपको दुबई मॉल का नज़ारा दिखाता हूँ। तो
की एंट्रेंस, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप दुबई मॉल आते हो तो आपको मेट्रो से कनेक्टेड ब्रिज मिलेगा जहाँ पर आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा। एस्केलेटर्स हैं बहुत सारा है, इवन ये समझ लीजिए कि आपको तकरीबन 10, 12 मिनट 15 मिनट आपको एस्केलेटर पर ही मूव करना पड़ेगा जो स्ट्रेट चलते रहते हैं ताकि आपको थकन ना हो, आपको चलना ना पड़े और आप जो है सीधा दुबई की एंट्रेंस तक पहुंच जाओ। और एस्केलेटर्स के बाद स्टार्ट होता है दुबई मॉल का एक गेट जहाँ से जस्ट ये समझ लीजिए कुछ स्टॉल्स टाइप हैं, मतलब दुकानें नहीं बोल सकते उनको क्योंकि बड़ी दुकानें नहीं बोल सकते, मतलब बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं बोल सकते। वहाँ पर कुछ लोकल गुड्स बिकती हैं लाइक चॉकलेट्स और हुक्का के से रिलेटेड सामान, और वो लोग आपको बुलाते हैं आओ आओ, हर तरह से आपको मतलब कि लालच देते हैं या कोशिश करते हैं कि आप उनके पास जाओ कुछ खरीदो। कोई बोलेगा हेलो आपके लिए गिफ्ट है मेरे पास, कोई बोलेगा ओहो यू यूट्यूबर्स ये वो करके, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था गिम्बल था तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं उनकी दुकान पर जाऊँ, पर मेरे को मालूम था मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे शूट करने आया हूँ, तो मैं शूट करता रहा और आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जी ये स्टॉल्स ख़त्म होने के बाद इतना बड़ा मॉल स्टार्ट होता है जहाँ मतलब दुनिया की हर बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी है, बड़े से बड़ा ब्रांड आपको वहाँ मिलेगा। बट आप ये समझ लीजिए कि आप इतना बड़ा है वो मॉल कि अगर आप 2 या 3 दिन भी घूमते रहो तो भी वो मॉल ख़त्म नहीं होगा, आप ये नहीं कह पाओगे कि आपने पूरा देख लिया। बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पर निकलने के लिए, हर तरह की सुविधा है वहाँ पर इस मॉल में, तभी इसे बिगेस्ट मॉल बोला जाता है वर्ल्ड का। और ये समझ लीजिए यहाँ पर अगर कोई अनजान आदमी हो जिसको यहाँ मतलब दिक्कत हो तो खो भी सकता है, लेकिन इन्होंने इतना प्रबंध कर रखा है हर लेवल पे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ से आप खुद को लोकेट कर सकते हो कि आप किस जगह पर हो और आपको आपको एंट्रेंस कहाँ मिलेगी, आपको एग्ज़िट कहाँ मिलेगा, आपको अगर कुछ एलिवेटर्स चाहिए ऊपर या नीचे होने के लिए तो वो कहाँ मिलेगी, वॉशरूम कहाँ है, हर चीज़ की जानकारी मिलती है। और जो दुबई के सिक्योरिटी स्टाफ हैं, जो दुबई मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ है, वो आपको जगह जगह तैनात मिलेंगे आपकी हेल्प के लिए या वहाँ पर कुछ गलत एक्टिविटी ना करें उसके लिए। मतलब हर तरह की सुविधा इस मॉल में मौजूद है, आप पूरा दिन घूमते रहिए आप ख़त्म नहीं कर पाओगे मॉल को कि आप पूरा देख पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना कुछ है यहाँ पर देखने को, बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुकानें रेस्टोरेंट्स बिल्कुल महल की तरह सजाए हुए। और ये रमज़ान का टाइम चल रहा था तो यहाँ पर कहीं कहीं जो इनकी अजान थी वो भी सुनाई दे रही थी, तो एक्वेरियम तो बहुत सारे देखे होंगे फिशेस के एक्वेरियम, तो दुबई मॉल में है बहुत बड़ा एक्वेरियम जो एक बहुत बड़े पार्ट में बना हुआ है जिसे वहाँ आप फ्री में देख सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है बाहर से देखने का। और बहुत सी दुनिया वहाँ पर, बहुत से टूरिस्ट वहाँ पर उस एक्वेरियम का एंजॉय करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं वहाँ पर फिशेस को देखकर। हर तरह की फिश है वहाँ पर, बहुत से और समुद्री जीव जो है उसमें पाए जाते हैं, तो आप उसका आनंद ले सकते हो बिल्कुल उसके पास खड़े होकर। ये आपको 2 लेवल से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन आप बिल्कुल अगर पास से देखना चाहते हो तो बिल्कुल सिमिलर लेवल पे जाकर वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है उसके पास खड़े होकर आप इजीली इस एक्वेरियम को देख सकते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी इन्होंने टिकट भी रखी हुई है अगर आप इसके अंदर से होकर जाना चाहते हो। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अंदर से इन्होंने ट्रांसपेरेंट पाइप डाल रखी है जिसमें से आप गुजर सकते हो और उस एक्वेरियम को देख सकते हो।
दुबई मॉल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे फाउंटेन शो था, और मैं वेट कर रहा हूँ अभी फाउंटेन शो स्टार्ट हो और आपको मैं दिखा सकूँ, क्योंकि ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है और यहाँ पर बहुत से लोग सिर्फ इसको देखने के लिए यहाँ जमा हो रखे हैं और बहुत जल्दी शो स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा उस शो को देखने के लिए। यहाँ हर 15 मिनट बाद लाइट शो होता है जो कि बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइटिंग से किया जाता है। हर बार अलग स्टाइल होता है लाइटिंग का और बहुत ही खूबसूरत होता है, और हर 30 मिनट्स बाद फाउंटेन शो होता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इन चीज़ों का। इवन कई कई शो देख के जाते हैं, एक आध शो से उनका दिल नहीं भरता, और यहाँ पर हमेशा एक फेस्टिवल का माहौल बना रहता है, एक कार्निवाल, हमेशा इतना खूबसूरत माहौल रहता है यहाँ पर कि लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं। पहले यहाँ पर बोटिंग होती है, उसके बाद फाउंटेन शो होता है, अभी आप जो देख रहे हो ये लाइट शो चल रहा है बुर्ज खलीफा पे। I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. I'll show you what I'm like and I'll show you never on. So fight and fight. So fight and fight and die for the things you know you're.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit.